12.3 का आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। इन फिगर 12.30 OACP इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, एक सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो है O और रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो है 3.5। वही कहता है सवाल फिगर में OACP इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3.5। रेडियस मतलब ये है 3.5 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक जो है दिस इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मैंने आपको बोला इट इज 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का ये 1/4 हिस्सा होगा। इसको हम दो तरीकों से एरिया निकाल सकते हैं क्वाड्रेंट के लिए। मैंने आपको बोला एक ही क्वाड्रेंट जो है एक सेक्टर भी होता है। इसको हम फार्मूला लगा सकते हैं थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्वाड्रेंट इज आल्सो अ सेक्टर बट एवरी सेक्टर इज नॉट अ क्वाड्रेंट। हर का सेक्टर क्वाड्रेंट आसन किया मगर हर का क्वाड्रेंट सेक्टर आसन, क्योंकि सेक्टर हम किसको कहते हैं? दो रेडियस और आर्क ऑफ द सर्कल के दरमियान जो एरिया आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेक्टर कहते हैं। तो ये भी सेक्टर है, ये प्लस रेडियस और ये हमारी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है तो ये भी सेक्टर है। तो क्वाड्रेंट इसका दूसरा नाम आप पढ़ गए, क्वाड्रेंट इज द स्पेशल टाइप ऑफ सेक्टर। इसका जो नाइन यहां पे एंगल होता है वो होता है नाइन, किसका? क्वाड्रेंट का। तो क्वाड्रेंट को हम एक ही फार्मूला लगा सकते, दूसरी फार्मूला है पाई आर स्क्वायर फुल सर्कल को डिवाइड बाय 4। इस तरीके से इसका एरिया निकलेगा, आपकी मर्जी है किस तरीके से आप इसका एरिया निकालोगे। तो बच्चों हम ये काम करेंगे, हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है, मैं लिखूंगा रेडियस। इसके दो पार्ट है, पहले मुझे इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना जो बड़ा वाला क्वाड्रेंट बनता है, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ सर्कल जो है आर वो कितनी है बच्चों? 3.5 सेंटीमीटर। यहां पे देख रहे कहीं पे 3.5, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। अब हम करेंगे काम देयरफॉर एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की फॉर्मूला है 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? फॉर्मूला वही है, या हम इसको लगा सकते हैं थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर, दोनों फॉर्मूला, क्योंकि क्वाड्रेंट जो है सेक्टर भी होता है, इसको हम सेक्टर की फॉर्मूला लगाते हैं, या ये चौथा हिस्सा होता है सर्कल को उसको करेंगे पाई आर स्क्वायर को डिवाइड बाय 4। बहुत अलग है जिस फॉर्मूला से लगे, लेकिन अगर आपको लगे अरे वो सेक्टर वाली फॉर्मूला, फिर थीटा के बदले आपको लिखना है 90 डिग्री, क्योंकि सेक्टर का सॉरी क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो 90 होता है, ठीक है। तो 1/4 इनटू पाई के बदले 22/7 इनटू आर जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर। बच्चों एक काम मैं करता हूं, अगर आप देखोगे ना टेक्स्ट पे वहां पे आपको आंसर जो है वो रैशनल नंबर में है, उन्होंने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया है, तो मैं एक काम करता हूं 1/4 into 22/7 3.5 को मैं रैशनल नंबर में चेंज करता हूं। रैशनल नंबर इसको कैसे बनेगा? जैसे यहां पे मैं 35 को मैं पॉइंट को नहीं लिखूंगा, 3.5 है इसको मैं लिखूंगा 3.5 डिवाइड बाय पॉइंट की जगह 1 और उसके बाद कितने डिजिट थे 1, तो 1 जीरो डाला, तो 3.5 को जब मैंने रैशनल में चेंज किया वो बन गया 35/10, लेकिन निकल गया आंसर। लेकिन इसको मैं कैसे काटूंगा 5 से, 5 2 10 5 7000, ठीक है ना। yes, तो इस आप निकला मुझे 3.5 के बदले मैं लिख सकता हूं 7/2 7 कितना था? अच्छा यहां पे होल स्क्वायर, हां इसका होल स्क्वायर था, ठीक है ना। अब मैं करूंगा काम, इसको मैंने रैशनल में चेंज किया तो वो निकला मुझे 7/2, अब इसका होल स्क्वायर। यहां पे क्लियर हो गया कि कंफ्यूजन? मतलब 3.5 की वो 7/2 भी हो गया, जब हम 7 को करेंगे फिर से डिवाइड बाय 2 फिर से आएगा 3.5, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व, यहां पे कैसे करेंगे 2 2 4 2 11 22, क्लियर। तो यहां पे मुझे निकला 11/2 7 14 इनटू ये स्क्वायर जो है 7 का भी है 2 का भी है ना, ये न्यूमरेटर का भी है डिनोमिनेटर का भी, 7 को भी दो बार करो 7 7 49 डिवाइड बाय 2 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां कैसे करेंगे 14 और 49 को 7 से कर सकते हैं, ठीक है ना, 7 2 14 7 7 49, वेरी गुड। अब कैसे तो नहीं करेंगे, बस 11 7 7 7 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 2 8 निकला मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, हो गया बस। अब हम करेंगे काम, इसका दूसरा पार्ट करेंगे, ठीक है ना। इसका दूसरा पार्ट जो है इसमें मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बच्चों ये है, ये सेगमेंट, इसको हम पहले से करते आ रहे हैं। कैसे हम इसको करते हैं? पूरे का मैंने ऑलरेडी निकाला इस क्वाड्रेंट का, ये मैंने निकाला इस फर्स्ट पार्ट में,
अब मैं इसको करूंगा इस पूरे एरिया से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस वहां पे मुझे शेड डिवीजन बच जाएगा, ठीक है ना। पूरा मैंने अभी निकाला इस क्वाड्रेंट का, इससे मैं करूंगा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, वहां पे एरिया ऑफ शेड डिवीजन बच जाएगा। देखो मैं इसको कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड शेडेड रीजन जो है वो निकलेगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या नाम है इसका बताओ, ओ ए सी बी माइनस इसको करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ डी, बी ओ डी। लेकिन एक बच्चों आप बोल सकते हैं कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेंट ये जो है दो रेडियस जो है किसके रेडियस है सर्कल की, और यहां पे बीच में क्वाड्रेंट बनता है तो क्वाड्रेंट का यहां पे एंगल होता है 90, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का भी एंगल होगा 90। सब लोग समझ, ये यहां से क्वाड्रेंट बनता है, ये जो यहां तक ये बनता है ट्रायंगल, तो ये एंगल जो है कॉमन है, ये ट्रायंगल का भी एंगल है और वहां से क्वाड्रेंट का भी एंगल है, तो यहां पे ये 90 है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको मैं फार्मूला लगा सकता हूं 1/2 बेस इनटू हाइट, क्यों आपको ट्रायंगल देखना पड़ता उसी हिसाब से हम फिर फार्मूला लगाते हैं, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो कोई और फार्मूला लग जाती, तो इसलिए ये कौन सा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम करेंगे काम, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मैंने पहले निकाला हुआ है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 8 माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या लगी 1/2 बेस इनटू हाइट हो गया 1/2 बेस हो गया ये बीओ इनटू हाइट हो गया ओडी, ठीक है ना, वेरी गुड। हो गया 77 डिवाइड बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2 ये कितना है 3.5 को मैं चेंज करूंगा, इसके बदले में क्या लिखूंगा, मैंने यहां पे चेंज किया ना 3.5 के बदले लिखूंगा 7 डिवाइड बाय 2 इनटू अच्छा 2 ये ओडी जो है कि होने आपको एक माइनस इसके बदले लिखूंगा मैं 2 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे काम, ये 2 और ये 2 कैंसिल, मतलब कसर 2 1 2 2 1 2, ठीक है ना। यहां पे मुझे क्या बचा कुल मिला के, मुझे बचा यहां पे 77 डिवाइड बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पे और कुछ कटेगा नहीं, माइनस 7 डिवाइड बाय 2, क्लियर है ना, वेरी गुड। अब हम यहां पे करेंगे काम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 77 इनटू 2 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 8 7 56, ठीक है ना, डिवाइड बाय 8 2 16, ठीक है ना। अब आप करो काम, 154 से निकालो 56 98 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 16, ठीक है ना। अब यहां पे कसर कटी क्योंकि लास्ट में इसका भी इवन नंबर है, इसका भी 2 8 16, 2 4 8, एक कैरी देंगे 8 को, 2 9 हो गए 18, बस अब नहीं कसर कटेगी। वहां पे मुझे निकला 49 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 8 इज द एरिया ऑफ द शेडेड, क्लियर हुआ।